नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के कई जिले प्रदूषण की चपेट में हैं, जिसमें बेगूसराय जिला भी शामिल है। तेजी से फैल रहे इस बाइक प्रदूषण को लेकर जहां सरकार गंभीर है, वहीं इसकी रोकथाम के लिए कई आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है, जिससे कई तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसमें मुख्य रूप से फेफड़े की बीमारी शामिल है। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि बेतरतीब बढ़ती जनसंख्या को रोकने की जरूरत है, अगर यह नहीं रुकी तो लोग रहेंगे कहां। उन्होंने कहा कि अगर वायु प्रदूषण को नहीं रोका गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि आज की तारीख में सांस की बीमारियां तेजी से फैल रही है। वायु प्रदूषण की वजह से कैंसर की शिकायत होती है। उन्होंने कहा कि इसके रोकथाम के लिए सरकार को आगे आना होगा और जिस तरह से बेतरतीब तरीके से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, उसे रोकना होगा। देखिए, प्रदूषण की समस्या तो निश्चित रूप से इस देश में पूरी ग्लोबल समस्या हो गई है, मतलब पूरे देश इससे प्रभावित है। और जो बेतरतीब आबादी बढ़ रही है, हम लोग पेड़ पौधे को काट कर उसका कमर्शियल यूज करते जा रहे हैं। हम आप रोज देखते हैं कि रोज नई नई इमारतें बन रही हैं, नई बिल्डिंग बन रही है, तो फिर उसका असर तो प्रकृति पर पड़ेगा ही। और अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आप यह समझिए कि वायु प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, फेफड़े जनित बीमारी, लंग्स जनित बीमारी, फेफड़े का कैंसर, ये सब भी वायु प्रदूषण ये सब भी उसका कारण बनता है। सांस की बीमारियां भी बहुत अभी आज के डेट में बढ़ गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण का रोल है। तो अगर उससे पूछिएगा कि इसको कैसे रोका जाए, तो इसमें दो तीन चीज़ तो बहुत आवश्यक है। पहला तो हमारा बेतरतीब पॉपुलेशन ग्रोथ, इस पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। ये एक इंडिया में बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम बन रही है, इतनी जरूरी है, तो इस पर एक ठोस गवर्नमेंट के नियंत्रण की ज़रूरत है। और तीसरा, हम सबको भी खुद सचेत रहना है कि हम अनावश्यक फोर व्हीलर है तो जहाँ ज़रूरत ना हो उसका हम प्रयोग कम से कम करें, अनावश्यक आतिशबाजी नहीं करें, अनावश्यक कहीं हम आग जलाने वाला काम ये सब ना करें, ये हमें देखना होगा। बेगूसराय के नगर निगम में अभी जिस तरह नगर निगम की बहाली पर जो है पूरा कचरा एक जगह हो जाते हैं, उसको जलाया जाता है, उससे भी प्रदूषण भी ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, उस वैसे प्रदूषण है, अब क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स हैं, उससे भी कचरा निकलता है, तो ये सबके एक प्रॉपर निस्तारीकरण की ज़रूरत है। और ऐसे मशीन्स अवेलेबल हैं, इंसिनेटर आते हैं जो बायोलॉजिकल कचरे को नष्ट करते हैं, तो ऐसे मशीन की ज़रूरत है और नगर निगम को इसको आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोजल करने पर विचार करना चाहिए। तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल कुमार जो बताए थे कि नगर निगम की जो स्थिति है, जहां आप तस्वीर में देख सकते थे कि नगर निगम के भिन्न भिन्न चौक चौराहे पर कूड़ा की धाम लग जाती है, कूड़ा एक जगह से उठकर दूसरी जगह, उसे भी जहां हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल की जो कचरा कटी है वो एक जगह रखे, इधर उधर ना फेंके, इसी को लेकर हमारे राहुल जी, डॉक्टर राहुल जी ने बताया कि प्रदूषण से तीन चीज़ से ज़रूरी है बचना। एक पेड़ है हमारे लिए स्वास्थ्य, जो पेड़ है उसे काटना बंद करें लोग। और जिस तरह जो है गाड़ी अभी देश में बढ़ रही है, गाड़ी की जो परिवहन है वो लगातार बढ़ रही है, उसको कम करें और जहां ज़रूरत पड़े वहीं गाड़ी लगाकर तेल की जो है प्रदूषण को बचा सकते हैं। हमारे साथ बीके टाइम्स से खास बात करने के लिए डॉक्टर राहुल कुमार थे, बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से रामकुमार स्वामी की रिपोर्ट।